रत्न जो है ये अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब आप इन्हें बहुत देर तक यूज करते हो। तो कोई एक हफ्ते पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने एक जो है वो सफटिक का पेंडेंट पहना हुआ था। तो वो सफटिक का पेंडेंट चाहते थे कि हम उसको रीमेक कर दें, पर जैसे ही उन्होंने ट्रे में रखा उस सफटिक के पेंडेंट को, तो देखते ही मुझे लगा इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ जो है नेगेटिव है, उसकी जो है एनर्जी जो उसमें से निकल रही है वो पूर्णतः जो है नकारात्मक है, नेगेटिव एनर्जी उसमें से निकल रही है और इसको जो है मुझे छूना भी नहीं चाहिए। फिर भी मैंने उसे जरा सा टच किया तो एकदम अंदर तक मुझे बड़ा बुरा सा एहसास हुआ। मैंने उस व्यक्ति को बोला भैया इसको जो है अब पहनना मत, इसको जो है आप ले जाके या तो किसी पीपल जी के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए इसे। इसे अगर आप घर में रखेंगे या पहन ही लेंगे तो ये और ज़्यादा नेगेटिव आपको वाइब्स देता जाएगा जिससे कि आपको कष्ट होंगे। इसको हटा के आप नया रत्न पहनिए, उसकी दोबारा से जो है अभिमंत्रण करिए और उसको फिर जो है वो दोबारा पहन के रखिए लंबे समय तक, तो वो आपको फायदा करेगा। जो हजारों रत्न देखने के बाद, हजारों लोगों के साथ जो है डील करने के बाद मेरा ऐसा एहसास है कि जो स्पेशली सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे ओपल है, आपका काका नीली जिसे हम आयोलाइट बोलते हैं वो है, मेलाकाइट है, फिरोजा है, लेपिस है, ये जितने भी रत्न हैं ये सारे के सारे साल भर से ज्यादा किसी हालत में नहीं पहनने चाहिए। ये सॉफ्ट स्टोन होते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। ये जब आप लंबे समय तक इनको पहनते हैं तो ये आपके बॉडी की नेगेटिव एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उसको ऑटोमेटिकली रीप्रोसेस करके ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन नहीं हो पाते, इनके अंदर रिजुविनेशन नहीं हो पाती, नयापन नहीं आ पाता, नई स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। ये उसी नेगेटिव एनर्जी को समेट के अपने अंदर बैठे रहते हैं और आपको भी उसका नेगेटिव प्रभाव डालते रहते हैं। तो इन रत्नों को आपको बिल्कुल जो है हटा देना चाहिए अपने सिस्टम में से और नए रत्नों को पहनना चाहिए। जो आपके दूसरे रत्न हैं जिन्हें हम प्रेशियस स्टोन्स बोलते हैं, जो नवरत्न के रत्न होते हैं, जैसे आपका नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, माणिक्य है, हीरा है, लसुनिया है, गोमेद है, ये जो है ये नेगेटिविटी को कम एब्जॉर्ब करते हैं और जो एब्जॉर्ब भी करते हैं उसको रीप्रोसेस करके दोबारा रिजुविनेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ये। तो इनको जो है आपको इतने छोटे स्पैन में हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बेहतर रहता है अगर 4-5 साल बाद आप इन्हें हटा दें तो हमेशा फायदेमंद रहेगा। ये नए रूप में आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, नए रूप में आपकी जो है चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए रत्नों को इस्तेमाल करते हुए।